नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। होली को लेकर भागलपुर मारवाड़ी युवा मंच की ओर से शनिवार की रात अखिल भारतीय कवि सम्मेलन मित्र वसंत गोष्ठी का आयोजन किया गया। मित्र वसंत गोष्ठी की 60वीं प्रस्तुति को लेकर मंच के द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन का उद्घाटन सांसद अजय कुमार मंडल, नगर विधायक अजीत शर्मा, महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, पूर्व सांसद कहकशा परवीन, उप महापौर सलाउद्दीन हसन और मित्र वसंत गोष्ठी के स्वागताध्यक्ष जगदीश चंद्र मिश्र पप्पू ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कवि सम्मेलन में देश के कई जगहों से कवि भागलपुर पहुंचे, जिन्होंने काव्य पाठ के माध्यम से अपने अनुभव और समाज में मौजूदा वक्त में कविता के प्रभाव पर अपनी बात रखी। वहीं मित्र वसंत गोष्ठी के 60वें संस्करण की शुरुआत कवियत्री मनिका दुबे ने सरस्वती वंदना से की, जबकि इसके बाद हाथरस से आए हास्य रस के कवि पदम अलवेला, मुंबई से आए श्रृंगार रस के कवि चंदन राय, लखीमपुर खीरी के वीर रस के कवि डॉक्टर आशीष अनल और राघेश्याम भारती ने अपने कविताओं से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। इसके अलावा इटावा के कवि कुमार मनोज ने सामाजिक सद्भावना को जोड़ने वाली कविता की प्रस्तुति दी, जबकि छत्तीसगढ़ रायपुर से आए कवि रमेश विश्वकर्मा ने प्रेम रस की कविताएं पढ़कर युवाओं समेत सभी दर्शकों को रोमांचित कर दिया। कवि सम्मेलन में मारवाड़ी युवा मंच भागलपुर के अध्यक्ष जॉनी संथालिया, संजय सिंघानिया, अश्वनी जोशी मोंटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्रवण बाचोरिया, शंभु दयाल खेतान, विभूति गोस्वामी और पृथ्वी शेखर समेत काफी संख्या में सुधी श्रोता मौजूद थे। तब खर रहेगा हमारे घर में बस नौकर रहेगा। तमिलनाडु में बिहारियों पर हो रहे हमले और वर्वरता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इसको लेकर राजनीति भी तेज हो चुकी है। इस मामले को लेकर जहां भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश पर हमलावर है, वहीं सरकार में शामिल घटक दलों के नेता भी बिहारियों की सुरक्षा को लेकर कार्रवाई करने की मांग सीएम से कर रहे हैं। वहीं भागलपुर विधायक सह कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने इस तरह की घटना को दुखद बताते हुए कहा कि बिहार के लोग पूरे देश में जाकर काम करते हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है, जबकि इन लोगों के कारण ही उन राज्यों और देश की तरक्की होती है। विधायक ने कहा कि बिहारियों पर हो रहे हमले को लेकर तमिलनाडु के डीजीपी गलत बोल रहे हैं और उन्हें भी इसकी जानकारी मिली है कि वहां के बिहारियों की हत्या हो रही है। उन्होंने इस तरह की घटना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर संज्ञान लिया है और बिहार से अधिकारी को भी तमिलनाडु भेजा जा रहा है। इसके अलावा राज्य से पलायन की बात पर अजीत शर्मा ने कहा कि बिहार एक गरीब राज्य है और इसे विकास के लिए विशेष राज्य के दर्जा की जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक कोई पहल नहीं की है। साथ ही विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। दुखद घटना है। देखिए, बिहार के लोग ही पूरे देश में जाके काम करते हैं और आज जो भी तरक्की हुआ है पूरे देश का, वो बिहारियों ने किया है, हमारे मजदूर भाइयों ने किया है और आज उनकी हत्या होती है तमिलनाडु में। इसे दुखद कुछ नहीं हो सकता और सरकार चुप है। डीजीपी वहां के कहते हैं डीजीपी कि कोई हत्या नहीं हुई, कोई ऐसा संज्ञान नहीं लिया गया है। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। हमें सूचना है कि बिहारियों की हत्या हुई है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों हुई है, इसको छानबीन करके जो भी किए हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी देना चाहूंगा, आभार प्रकट भी, उन्होंने संज्ञान लिया है। मैं वह जानता हूं, वो बोले हैं पदाधिकारी को भेज रहे हैं वहां जांच करने के लिए। मैं तो उनसे आग्रह करूंगा आपके पदाधिकारी जो जांच करें, निश्चित तौर पर इस पर कभी ढीला नहीं होना है। अगर बिहारी की हत्या हुई है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भागलपुर के जगदीशपुर बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत नीमा गांव निवासी प्रियंका ने शुक्रवार की रात केरोसिन डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। वहीं इसके बाद चीखने की आवाज सुनकर परिजन जब उसके कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे, तब तक महिला का शरीर काफी जल चुका था। हालांकि परिजनों ने किसी तरह आग बुझाई, जिसके बाद सूचना मिलने पर पहुंची बाईपास टीओपी पुलिस की गाड़ी से प्रियंका को गंभीर हालत में इलाज के लिए जेएलएनएमसीएच मायगंज ले जाया गया। वहीं इस घटना को लेकर
सरायगंज अस्पताल पहुंचे परिजनों का कहना है कि शुक्रवार की देर शाम प्रियंका का उनके पति से झगड़ा हुआ था, जो पंजाब में रहकर मजदूरी का काम करता है, लेकिन कुछ दिन पूर्व ही वह पंजाब से अपने घर आया था। बताया जा रहा है कि प्रियंका के पति को उसकी पत्नी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से फोन पर बात करने की जानकारी मिली थी और इस बात को लेकर पति मनीष ने जब अपनी पत्नी से बात की तो दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। वहीं इसको लेकर बाईपास डीओपी प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए मायगंज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है। कैसे चूल्हा लगा रहा था? क्या कर रही थी? हाँ, क्या कर रही थी? चूल्हा लगा के खाना बना रहा था। क्या नाम है उसका? हाँ, डबरी का। लेडीज का क्या नाम है? वाइफ का? वाइफ प्रियंका देवी। घर कहाँ? बरी में। बरी में। खाना कौन पड़ता है? जगदेश। आप कौन हुए उसका? हाँ, आप कौन हुए? हाँ, उसका हस्बैंड। बच्चा? हाँ, बच्चा भी है। तो कौन, क्या क्या है? मेरे भाई, एक टेलीफोन बिहार है तुम्हारे पास? बिहार। अच्छा, कब जला था? भागलपुर सुल्तानगंज पास थाना क्षेत्र अंतर्गत आवा गांव स्थित बजरंग बली मंदिर के समीप शुक्रवार की देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से शादी समारोह से लौट रहे दो युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक युवक की पहचान आवा रतनपुर निवासी सौरभ कुमार और भिरखुर्द गाँव निवासी नितेश कुमार के रूप में हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर देर रात पहुंची पुलिस ने दोनों युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। घटना को लेकर परिजन ने बताया कि देर शाम शादी समारोह में भोज खाने के लिए तीन दोस्त कुमारपुर गांव गए हुए थे, जिसमें दो युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि एक युवक से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। इस दौरान परिजनों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए घंटों सड़क जाम कर दिया, जबकि बिना परिजनों को सूचना दिए ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देने का आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाया। साथ ही मृतक के पिता ने दोनों युवक की हत्या कर इसे एक्सीडेंट का रूप देने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में भी उनके बड़े पुत्र पीयूष कुमार की भी 2014 में अपराधियों ने हत्या कर दी थी, जबकि उनके इकलौते बेटी की भी देर रात साजिश के तहत हत्या कर दी गई है। इधर जाम के कारण करीब दो घंटे तक राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि मृतक नितेश कुमार अपने नाना के यहाँ रहकर बीए की पढ़ाई करता था और वह इंटर के छात्र सौरभ कुमार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले के छानबीन में जुट गई है। के प्रशासन तो सूचना नहीं दिल पड़े चाबी चौकीदार उनका नाना कारू ले गए, जानकारी नहीं दिल लाश लेके उठा चली गई कहीं गए। अच्छा, धूल मिट्टी भी दे दिया। क्या वजह का घटना था? धूल थाना दिया है। साढ़े तीन बजे लगभग। वो दोनों लड़का कहाँ से आ रहा था? कुमारपुर से। कुमारपुर से भोज खाने के लिए? भोज खाने के लिए। मोटरसाइकिल से गया था कि पैदल गया था? ये पता नहीं है, मोटरसाइकिल से गया होगा। तो आप लोग को जाम करने का क्या वजह है? मुख्य कारण लाश ला कायल गया, हम लोग को जानकारी काहे नहीं दिया हुआ। यानी कि प्रशासन के खिलाफ में आप लोग जाम किए हैं। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन वैज्ञानिक सत्र में शनिवार को देश के विभिन्न हिस्सों से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों ने हड्डी रोग से जुड़े कई तरह की बीमारियों और उसके इलाज को लेकर चर्चा की। इस दौरान हड्डी और नस रोग के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने सरल तरीके से इलाज को लेकर कई तरह की तकनीक की जानकारी देते हुए अपने सुझाव दिए। कॉन्फ्रेंस में देहरादून से आए डॉक्टर वीके संजय ने हड्डी से जुड़ी कई बीमारियों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने देश में एक्सीडेंट के कारण होने वाले फ्रैक्चर पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि लोगों को सड़क दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी पूर्वक चलने की जरूरत है। साथ ही कहा कि सड़क दुर्घटना में अगर कमी आ जाती है तो युवाओं के साथ हर वर्ग के लोगों में एक्सीडेंट के बाद हड्डी टूटने की समस्या भी काफी कम होगी और इसके लिए आम लोगों को ट्रैफिक रूल रेगुलेशन का पालन भी करना अनिवार्य है। देखिए, पहले तो आपको बताऊं, ये बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि हर साल होती है और इस साल भागलपुर में हो रही है और जिस समय जो चल रहा है ये सभी लोग ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो हैं ये सदस्य हैं, अमिताभ, डॉक्टर शैलेंद्र, डॉक्टर सुमन, ये सब लोग इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। और बिहार प्रदेश के ही लोग नहीं आ रहे, देश के भी जो विशेषज्ञ हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन वो यहाँ आए।
अभी आप कह रहे थे क्या बीमारियां आ रही, देखिए यहाँ पे जो है हर तरह की औरतें, जैसे पाँव का टेढ़ा होना, पाँव में मवाद पड़ना, जोड़ को बदलना, घुटनों को बदलना, और जो आजकल जो समस्या आ रही, जो रोड ट्रैफिक ने या जो आपने आपके दोस्तों ने दोपहियों वालों ने या चार पहियों वालों ने जो एक सड़क दुर्घटनाओं की महामारी पैदा कर दी, उसको यहाँ पे डिस्कस के भाई सड़क दुर्घटनाएं कैसे कम की जाए। तो उसके लिए तो मैं तो आप सब लोगों से यही कहूँगा, जो सड़क के यातायात के नियम हैं उनको आप मानिए और उनके हिसाब से आप चलिए, जहाँ क्योंकि होता क्या है, जितनी ज़्यादा गति उतनी ज़्यादा क्षति। फाल्गुनोत्सव को लेकर भागलपुर के मंदरोजा स्थित खाटू श्याम मंदिर में दूसरे और अंतिम दिन महिला भक्तों द्वारा बाबा खाटू श्याम के दरबार में 56 भोग लगाया गया, जिसको लेकर महिलाओं और श्याम भक्तों के बीच काफ़ी उत्साह का माहौल दिखा। फाल्गुन शुक्ल द्वादशी के कार्यक्रम को लेकर मंदिर में श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ जुटी रही, जबकि इस दौरान कोलकाता से आए कलाकारों के साथ स्थानीय कलाकारों ने भी नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी। वहीं इसके अलावा सवामणि भंडारा का आयोजन किया गया। इधर कार्यक्रम को लेकर श्री श्याम प्रभु की अखंड ज्योत और संकीर्तन का आयोजन किया गया, जो शनिवार की रात्रि कार्यक्रम समाप्ति के साथ संपन्न हुआ। वहीं इसको लेकर पूरे दिन खाटू श्याम मंदिर में भजन कीर्तन और फाल्गुनोत्सव के आनंद में सभी श्याम भक्त झूमते रहे। मौके पर प्रबंध न्यासी प्रभात केजरीवाल, अध्यक्ष रोहित झुंझुनवाला, संयोजक नीलेश कोटरीवाल, कपिल जैन, नीरज कोटरीवाल समेत श्याम भक्त मंडल के पुरुष और महिला दल के सदस्य और काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। भागलपुर सैंडिस कंपाउंड में प्रवेश पर लगाए गए शुल्क का युवा एकता सामाजिक संगठन के द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। इसको लेकर ओम प्रकाश उपाध्याय ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रबंध समिति के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति से प्रवेश के लिए 5 रुपये शुल्क रखा गया है, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि भागलपुर जिला में यही एकमात्र स्थान है जहाँ पुरुष, महिला, बुजुर्ग, बच्चे, बच्चियाँ समेत प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा टहलने और दौड़ की प्रैक्टिस के लिए आते हैं। वहीं सैंडिस मैदान में प्रवेश के लिए शुल्क लगाने को समाज के सभी लोगों का आर्थिक दोहन बताते हुए संगठन की ओर से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की गई। युवा एकता सामाजिक संगठन के बैनर तले संगठन अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में शहरवासियों, बुजुर्ग माता पिता, युवा साथियों जो प्रतिदिन अपनी सेहत के लिए सैंडिस कंपाउंड में अपनी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए उन्होंने जो आज सैंडिस कंपाउंड में जो स्मार्ट सिटी प्रबंधन समिति के द्वारा, निगम प्रशासन के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा हम लोग विगत 2 दिन पहले दैनिक जागरण समाचार पत्र में पढ़े कि प्रवेश शुल्क 5 रुपये लगाने की बात प्रशासन के द्वारा की जा रही है। भागलपुर के जगदीशपुर एवं गोराडी थाना सीमा पर भरोखर मध्य विद्यालय में आगामी होली एवं शबे बरात को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें गोराडी थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार, जगदीशपुर थाना अध्यक्ष अमित कुमार, सनहौली मुखिया मरगूप, पूर्व जिला परिषद सदस्य गोपाल यादव और सनहौली के सरपंच विनोद यादव समेत कई ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। बैठक में सर्वसम्मति से होली पर्व में किसी भी जगह पर डीजे साउंड का प्रयोग नहीं करने, जबरन किसी को भी रंग गुलाल नहीं लगाने और अश्लील गाना नहीं बजाने का निर्णय लिया गया। वहीं शबे बरात को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से पूर्व निर्धारित स्थान पर ही दीप प्रज्वलित करने और आतिशबाजी नहीं करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा गाँव के डीजे संचालक को लोग होली और शबे बरात में अपना डीजे भाड़ा पर नहीं लगाने का निर्देश दिया गया। वहीं दोनों ही थानाध्यक्षों ने कहा कि पूर्व में घटित घटना को लेकर लगातार दोनों ही थाना के द्वारा पेट्रोलिंग की जाएगी, जबकि गांव में कैंप कर रही पुलिस पैदल गश्ती करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।